नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग अपने HTML पेज में कुछ चेंजेस करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो आपको फॉर्म में कोई गलती हो जाए या कुछ वेबसाइट में कुछ गलती हो जाए आपसे बनाने में, वेबसाइट बनाने में मान लो चाहे कुछ आपको प्रिंट दे रहे हैं, वो इंटरनेट से कुछ वेबसाइट पे कुछ काम किया फिर प्रिंट दे रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो जाती है तो वो HTML में चेंज करके आपको प्रिंट दे देते हैं। वो वास्तव में चेंज नहीं होता है, वो ऑनलाइन कुछ चेंज नहीं होता है, बस वो वेब पेज एक खुला होता है उसमें चेंज हो जाता है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो चेंज होते हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने गूगल खोल रखा है अभी, और उसके बाद में जैसे मैंने गूगल खोल रखा है अभी और मैंने वेबसाइट खोली है MGSU मारदा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट, जिसमें मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ। इसी में बढ़िया रहेगा क्योंकि थोड़ी यही ज़्यादा इसी में ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म वगैरह भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं वैसे हमारे यहाँ यही चलती है ज़्यादातर वेबसाइट। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे HTML में चेंज होता है। कोई जरूरी नहीं कि वो आपके साथ फ्रॉड हो, इसीलिए आपको कई बार आपको खुद को भी अपनी वेबसाइट में कुछ एचटीएमएल में कुछ चेंज करके किसी को ऐसे ही प्रिंट देना हो तो भी आप कर सकते हो, इसे कोई बात नहीं है। एजुकेशन के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे होता है ये सब कुछ। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या होता है। वेबसाइट खुली हुई है, वेब पेज खुला हुआ है कोई भी, उस पर आपको आपको कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। सीधे ही कोई कोडिंग खुल जाएगी वेबसाइट की। आपको करना क्या है, कंट्रोल अप करके कोई भी जो भी आपको नाम चेंज करना है, मतलब जैसे लिखा हुआ है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ऊपर ही ऊपर हेडिंग, इसको चेंज करना है आपने। जैसे मैं चेंज कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के नाम से, मैं चेंज करता हूँ इसमें। देखिए जैसे मैंने फाइंड किया महाराजा, ठीक है, महाराजा से फिर एंटर लगाया तो ए लगा था महाराजा, अब सही है। जैसे इस कर्सर के ऊपर आ रहा है, मैं फिर से दिखाते हैं, एंटर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जैसे अब इसके ऊपर आ रहा है महाराजा, ऊपर वाली हेडिंग पे नाम आ रहा, तो इसका मतलब ये यहाँ से कोडिंग इसकी यहाँ से की गई है। तो इस पर क्लिक कर लीजिए, जैसे ऊपर क्लिक क्लिक कर लिया, अब हमको जो नाम लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने CompuTE कंप्यूटर GYAN, एंटर लगाया। जैसे एंटर लगाया देख लीजिए आप क्या सामना चेंजेस आए हैं अपने कंप्यूटर ज्ञान चैनल का नाम आ गया है महाराजा गंगा सिंह की जगह। ऐसे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो में जो चल रहा है, कोई भी नाम, क्योंकि ये अभी वेबसाइट वेब पेज खुला हुआ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं ना ये रीलोड हो रहा है। इसे हम कंट्रोल आर करते हैं, रीलोड करते हैं, ये वापस उसी स्थिति में आ जाता है अपनी, ये कोई उसमें वेबसाइट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस यही वेब पेज में चेंज होता है सब कुछ। धन्यवाद दोस्तों, मैं ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए किया गया है, किसी को गलत राह पर ले जाने के लिए नहीं किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना कर सके।